देखें भाई ये इस तरह से जो है, यहाँ जो ये लोग बेच रहे होते हैं वो तो भाई नशा करवाते हैं मेरे भाई। हाँ। में क्या खिलाते हैं ये लोग? कैप्सूल होता है जी भाई, इसका कैप्सूल होता है यार, वो मतलब काटने का नहीं, जबान जो ना जलती है एकदम बिल्कुल। अच्छा। बार बार जो उसके मुंह पे वो लगा रहे होते हैं, कपड़ा लगा रहे होते हैं, वो इसी से लगा। हाँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जो है आपको जो है यहाँ पे मार्केट में कुछ चीटर्स को बेनकाब करते हैं, जो पैट लवर्स को यहाँ पे खड़े होकर लूट रहे हैं। अक्सर जो है यहाँ पे परिंदे वालों के साथ जो है हो रही होती है चीटिंग खुलेआम, और यहाँ पे जो है कुछ आपको जो है बिल्कुल सेटअप वाले यहाँ पे कुछ लोग आपको नज़र आते हैं, या आप सामने फुटपाथ पे देखें इस तरह के जो लोग होते हैं वो नए पैट लवर को बड़ा धोखा दे रहे होते हैं। तो आए आपको जो है दिखाते हैं कि धोखा किस तरीके से दे रहे होते हैं, और रिंग नेक के और पहाड़ी के जो बच्चे होते हैं ये आप सामने देखें, बता के ये देते हैं कि जी ये टेम है, लेकिन होते टेम नहीं है ये। तो आए आपको जो है इनको आज एक्सपोज करते हैं। ये आपको दिखाते हैं व्यूअर्स, मार्केट में जो है इस किस्म के जो है प्राणी आपको नज़र आ रहे होंगे। ये आप देखें कि ये रिंगनेक के जो तोते होते हैं इनको जो है, ये जंगली तोते होते हैं, इनके जो है जबड़े वगैरह चीर के उनको जो है, आप ये देखें किस तरीके से जो है उसके दांतों और जबड़ों को ये चीरते रहते हैं मुसलसल, जिससे जो है इनके जबड़े ज़ख्मी हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ये काटने की जो सख्त होती है इनकी कम हो जाती है। ये आप देखें कि ये तीनों चारों एक साथ खड़े हुए हैं, और इस तरीके से जो है ये मुसलसल परिंदों को जो है अजियत देते हैं, तो जिसकी वजह से जो है ये देखें किस तरीके से जो है इसका जबड़ा ये दबाता हुआ जा रहा है, और ये जो है बिल्कुल जो है इनकी सख्त ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ये यहाँ पे मार्केट में जो है जो सादा और न्यू पैट्स लवर आते हैं उनको जो है ये दे देते हैं परिंदे, लेकिन जब जैसे ही ये घर जाएंगे उसके बाद ये जो है ज़बरदस्त तरीके से काटना भी शुरू हो जाते हैं। तो वो सामने देखें बिल्कुल भी जो है ना ये हाथ पर नहीं बैठते, लोगों को लगता है कि हाथ पे बैठते हैं लेकिन हाथ पे नहीं बैठता ये परिंदा। ये देखें कितने का दे रहा भाई है, क्या बोल रहा है इसके? ये देखें ये कैमरा जैसे ही देखते हैं फौरन भाग जाते हैं, इनका सबसे बड़ा मसला यही है कि जैसे ही कैमरे इनके करीब आते हैं ये फौरन भागने की कोशिश करते हैं। ये देखें ये जो है, ये देखें हमें आता ही देखते ही बोलते हैं इसकी नहीं बनाओ, लगता यही है कि ये जो है बिल्कुल ख़राब परिंदे होते हैं, जिसकी वजह से जो है ये हमें देखते ही भागते हैं, कुछ भी कर लो ये अब हमें नहीं दिखाएंगे, फौरन बोलेंगे भागो इधर से। हाँ सबका बनाएगा, सबका बनाएगा, फिक्र नहीं करो, तुम्हारा भी बनाएगा, तुम्हें क्यों डर लग रहा है? अच्छा नहीं क्या कर रहे जी? अरे का पूछ रहे थे क्या कर रहे थे ये हे जंगली? हाँ। ये बोले 4,000-5,000 2,000 में लेके गए 15-1500 का। ये असल में पता है क्या, ये जंगली होते हैं, ये इंजेक्शन मार के हाथ बिठा रहे बेचारों को, आप देख रहे हो ना मुसलसल। हाँ। ये कमीज से दबा रहे इसको ना, फुल पावर से पकड़ा हुआ है इसको, उंगली से पकड़ा हुआ है, बोल रहे कि ये नर है मादा है, ये चूतिया बना रहे लोगों को। ये वाकई भाई इनसे जो है ना परिंदे लेना समझ ले कि ये बिल्कुल बीमार भी हो जाता है, ये पता है कि ये 60% बीमार परिंदे होते हैं। बिल्कुल हाँ, इंजेक्शन मारे हुए इन्होंने जंगली तोते को हाथ में बिठाया हुआ है। ये देखें ना इतने सारे हैं, ये एक एक पकड़ के इसको जो है वो मारते रहेंगे बार बार इसके सामने जो है, अभी इसको कमीजों से दबाते रहेंगे, उसके बाद जो है ये लोगों को बोलेंगे कि टाइम भाई ने हाथ में पकड़ा हुआ है, इनके हाथ में देख ले खुदा, हमें देखते ही छुपा लेगा, उनको पता है कि आगे जो है ना उनकी वीडियो बनाते हैं, जैसे छुपा लो ये फौरन छुपा लिया। बिल्कुल बिल्कुल भाई अच्छी जगह से लो, देखा बोला हमारी रोजी पे लाते हैं। हाँ बिल्कुल लोगों को ठगते रहो, रो रोजी है। ठीक है सर, मेहरबानी, थैंक यू सर। चैनल का नाम ये देखें भाई, ये इस तरह से जो है कितने का दे रहा भाई ये
3500 का दे रहा हूँ। 3500 का एंड टाइम है? एंड टाइम नहीं है ये, अपना अभी खाली ऐसे पकड़ा हुआ मैंने भाई जो बात। हाँ काट तो नहीं रहा है? नहीं काट रहा नहीं है, काटना नहीं, काट रहा है ठीक है। दवाई वगैरह तो नहीं लगाई हुई है? इसका काटना देख रहे हो, अगर दवाई वाला होगा तो काट के बोटी निकाल देगा, लेकिन ये काटने वाला है। जंगली जंगली तो काटता है ना ये? जंगली है समझो। हाँ जंगली जंगली तो काटता है ना, तो काट के मैं कह रहा हूँ कटवाना पड़ता है। अच्छा हाँ, जब जाके काटना छोड़ेगा देख रहे हो, ये जब पकड़ रहा है ना बहुत तेज। अच्छा तेज पकड़। हाँ ये खुद ही छोड़ देगा। यहाँ जो ये लोग बेच रहे होते हैं वो तो भाई नशा करवाते हैं मेरे भाई। हाँ क्या खिलाते हैं ये लोग? कैप्सूल होता है जी भाई, इसका कैप्सूल होता है यार, वो मतलब काटने का नहीं, जबान जो है ना जलती है एकदम। अच्छा, बिल्कुल बार बार जो उसके मुंह पे वो लगा रहे होते हैं, कपड़ा लगा रहे होते हैं, वो इसी वजह से लगा। हाँ कैप्सूल उसके कपड़े पे लगा हुआ। सही बात है। कैप्सूल का नाम कुछ पता है क्या होता है? नाम पता नहीं है जो बात है भाई, बाखुदा नहीं है पता बस। नहीं नहीं मैं जब आपसे इतनी बड़ी जब बात कर रहा हूँ। वैसे ये कहाँ से जंगलों से पकड़ पकड़ के लाते हैं? नहीं सदर के लाते हैं, सदर से ला के यहाँ पे एंड टाइम बोल के जो है ना नए लोग यहाँ पर बोलते हैं, बोलने वाला ये फिलाना ढिकना 1000 बहाने, 1000-1500 रुपए ऊपर ले जाते बस। तो ये झूठ बोल के क्यों देते हैं? अगर सच्चाई से भी दे दें तो इतने का ही बिक जाएगा। अच्छी बात है ना भाई, सच्चाई से दे तो और अच्छी बात है। 500 रुपए के लिए इतना झूठ बोलते हैं, अपना ईमान खराब करते हैं जो बात है। सही बात है, सही बात है, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए मेरे भाई। आप तो नहीं करते बिल्कुल भी ऐसा? हम तो भाई जो है आप क्लियर बता के दे देते हैं, जंगली है, जंगली है, खत्म बात। समझ में आ रहा है जिसको चाहिए लो, वरना नहीं आ रहा छोड़ दो, खत्म बात। अभी क्या इसके परवर काटे में? पर काटे मैंने अभी। हाँ पर काटे, लेकिन काट रहा अभी भी भाई। हाँ काट रहा अभी भी है। सही है, सच बोल के दो ताकि यार किसी का नुकसान। लोग हमें बोलते हैं यार लालू खेत में पड़ा दो। एक और बात है कि देखो, एक और बात है, किसी को धोखा करके देना ना बहुत गलत बात है, धोखा फिर आपके पास वापस भी आता है इंशाल्लाह। यहाँ से जब लोग नया बंदा आता है ना, गाड़ी वाला आ गया, कोई बाइक वाला, परेशान हो जाता है भाई, बोलते हैं यार अच्छा लेके गया था, फिर हमें फोन करता है कि यार वो हम परिंदा लेके गए थे, वो परिंदा माल तो नहीं काट रहा था, घर पहुंचे तो परिंदा काटना शुरू कर दिया, तोता दे दिया वहाँ पर, पता नहीं क्या करा हुआ है, ये करा हुआ है। 2-3 दिन बाद पता चलता है वो खा भी नहीं रहा, पी भी नहीं रहा। सही बात। हाँ मैं भी कह रहा हूँ भाई जंगली है, मैं भी भाई से यही बात कर रहा हूँ कि जंगली है। चलो भाई बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू।